रखी गई है कि अफगानिस्तान में संकट है। यह सभा इसलिए भी रखी गई है कि पूरी मानव सभ्यता के सामने संकट है, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति चाहे किसी भी मुल्क का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो खड़ा होकर जब ये मानव सभ्यता के सामने एक संकट खड़ा है उसके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। आज तालिबान का संकट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पूछना पड़ेगा कि ये तालिबान पैदा कैसे हुआ, ये तालिबान क्यों उठ खड़ा हुआ। ये तालिबान इन साम्राज्यवादी ताकतों के आर्थिक और अपने हितों की पूर्ति के लिए और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए खड़ा किया गया एक जमात था, और जब इन साम्राज्यवादी ताकतों को यह लगने लगा कि अब उनके हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी, तो वो पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान को, वहां के पूरे ताने बाने को तहस नहस करके वहां से छोड़कर सब चला गया। और बड़ी ही साफ सुथरी तस्वीर पेश कर रहा है कि हमने सैनिक वापस बुला लिए, यानी कि आपने जब पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया, उसकी जनता को, जब वहां पर एक चुनी हुई सरकार सत्ता में आने वाली थी तो उसको खत्म कर दिया, वहां के लोगों के अधिकारों को खत्म कर दिया, वहां के लोगों की आजादी को आपने छीन लिया। साथियों, आज हम जब भारत में हैं, तो इस सरकार से, भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि जो अफगानिस्तान में तालिबान ने हुकूमत हासिल की है, आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करें। हमारी दूसरी मांग है कि जो भी शरणार्थी, जो तालिबान के शासन के कारण वहां पर जो अत्याचार और दमन हो रहा है, उसके दमन के को झेलने के बजाय किसी देश में शरण, अगर वो भारत में शरण लेना चाहता है तो उसको शरण दी जाए। और जो भारत में अफगानी लोग मौजूद हैं उनको यहां पर रखा जाए, उनको भेजा ना जाए वीजा खत्म होने के बाद। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, कहते हैं कि इसी कारण से हम सीए लागू कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, हम उनको देश में नागरिकता दे सके, उनको शरण दे सके। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा उन्हीं मिनिस्टर साहब से कि जब उस देश में तालिबान के शासन के कारण वहां के मुसलमान भाई और बहनें परेशान हैं, तो आप उनको शरण देंगे कि नहीं देंगे। और हमारी मांग है कि ये सीए फर्जी जो है उसको खत्म कीजिए, और सभी को नागरिकता या यहां पर शरण दीजिए। साथियों, हम देख रहे हैं लगातार किस तरह हमारी सरकार तालिबान के नाम पर चुप्पी साधे हुए है, तो हम इस सरकार से, यहां के नुमाइंदों से ये गुजारिश करेंगे कि आप अफगानी जनता के हित में फैसला लें और तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करें। सब लोग फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। मैं वुमेन राइट का सेव करूंगी, ये करूंगी, कभी भी सेव नहीं करूंगी। तालिबान सेम है और कभी भी चेंज नहीं होगा तालिबान। और वुमेन एंड चिल्ड्रन का राइट, गर्ल्स का राइट, सब लोगों से अनुरोध है कि बैरिकेड के पास
पास आ जाए हम लोग अपना प्रोटेस्ट गैदरिंग शुरू करेंगे। वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अफगानिस्तान, क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग है? वुमेन राइट, चिल्ड्रंस राइट, गर्ल्स राइट, एजुकेशन, सेम इक्वालिटी। रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम टुवर्ड्स द बैरिकेड वेयर द बैनर्स आर देयर। भारत विल बी स्टार्टिंग अ प्रोटेस्ट गैदरिंग। अभी अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, क्या आपको लगता है कि जो तालिबान वहां पर इकट्ठे हो गए, काबुल में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है वहां पे क्या सिचुएशन बनी हुई है? अभी काबुल में मीडिया रिस्ट्रिक्ट हुआ, वुमेन है, वुमेन बुर्का के पहने और हिजाब के पहने, अगर कोई सॉक्स नहीं पहना है तो उसका अमेरिका साम्राज्यवाद तो मुर्दाबाद। अमेरिका के बारे में, अमेरिका साम्राज्यवाद तो मुर्दाबाद। क्यों नहीं कुछ कह रहा है? महिलाओं पे हमला नहीं चलेगा, तालिबान के आतंकी महिलाओं के हमला नहीं चलेगा। Wild place right now. As I speak to my family members, they are in complete panic, terrified. They don't know what's next. And guess what? Taliban are searching door to door, asking for journalists, social activists, and people who were affiliated with the former government, and telling them to point them out. And right now they are acting humane just because they are under the watch of the international community. And as soon as that's gone, they will start their massacre again. We have witnessed the massacre of minorities, especially the Hazara community of Afghanistan in the past in 1995. Let us raise our voice. Let's not let that happen again. These people, they don't have values. They're a bunch of savages supported and supplied by the Pakistani military establishments to sabotage Afghanistan. I was born in 2000 in the time of the Taliban. My entire life I have been to school with the fear that my family accepted that I might not return. I studied in Istiqlal High School. Only from the class of 7 till 12, at least 15 different anti-personnel mines, IEDs or suicide bombings happened, and hundreds of people died. Today the international community is just showing their pities. They're not raising their voice. They're not real about this. They don't support these values to their core. Unfortunately, it has just turned into an act of lobbying. Raise your voice for women. These people don't recognize human values. Today we have a voice, and if this community of activists, if students in Afghan diaspora loses this time, Afghanistan will go back 200 years. We have seen this in the past. Let us not let it happen again. Stand together, stand with people of Afghanistan. And for my Indian friends, if you see an Afghan, please smile to him. You have no idea how a person who has been homesick and been crying for weeks for his hometown, how he will appreciate your smile. So just smile to him and stand with us. This is a war for humanity. This is not just about a country. It's about women. It's about the 30 million population of Afghanistan. It's about youth like me, Rukhsar, and so many others who have dreams to go back and contribute to a society. And today that's gone. Please do not let that happen. And to the people who are pro-Taliban, let me tell you something. If someone calls you terrorist, that is your identity, because you have raised your voice to them and you have supported them, and you are a terrorist. You have the mentality of extremists and you're a radical, and shame on you for stepping on the human rights, on the choices of the people. And that is all I want to say. Thank you so much for